हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हिंदी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट टेक्नोलॉजी हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया स्टार कैसे बना जाए। अगर फ्रेंड्स आप अच्छे नहीं दिखते हो या आप काले हो या पतले हो या जो भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया स्टार नहीं बन सकते तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हर कोई सोशल मीडिया स्टार बन सकता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए आपको क्या करना होगा। और इस वीडियो में आपको दानिश जहन का तरीका बताऊंगा कि दानिश जहन ने कैसे सोशल मीडिया स्टार वो बना था। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको ये वीडियो भी पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका लुक अच्छा ही हो। आप देख सकते हो हीरो आलम को, या देख सकते हो आप नवाजुद्दीन सिद्दीक़ को, उनका लुक इतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो लोग अपने करियर में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे है और हीरो का काम वो लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको दानिश जहन का तरीका बताऊंगा सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीधा दानिश जहन का ही तरीका कॉपी कर लो। आपको दानिश जहन का तरीका कॉपी नहीं करना है, आपको अपना कुछ टैलेंट दिखाना है। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा कि दानिश जहन कैसे सोशल मीडिया स्टार बना था और आप सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दानिश जहन का सोशल मीडिया स्टार बनने का सबसे पहला स्टेप था, वो था उसने यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था। वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था मुंबई की मार्केट के बारे में, जो लोगों को पसंद आई और बहुत सारे लोग मुंबई में शॉपिंग करने आते हैं, तो हर कोई जानना चाहता था मुंबई की मार्केट के बारे में। इसलिए लोग दानिश जहन की वीडियोस देखते थे और उनकी चैनल को सब्सक्राइब भी करते थे। और 2-3 साल तक दानिश ने ऐसे वीडियोस बना के अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स बना लिए। तो आपको भी सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए फर्स्ट स्टेप यही करना है। तो यहाँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी दानिश जैन के जैसा ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करो यूट्यूब पे, और दानिश जैन के जैसे ही आप मुंबई के मार्केट के ब्लॉग डालो। ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना कुछ खुद का यूनिक कंटेंट लाए, जैसे आपको डांसिंग आती है आप डांसिंग सिखा सकते हैं, या आप डांस करके सिखा सकते हैं, या फिर आप सिंगिंग आता है तो आप अच्छा सॉन्ग गाकर आप अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको फ़ोटो एडिटिंग आता है तो आप फ़ोटो एडिट करके भी अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, या फिर आप टिकटॉक का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से आपको भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ानी है। तो फ्रेंड्स, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए आपको टाइम भी लग सकता है, 1-2 साल दानिश को भी लग गए थे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तो आपको भी टाइम लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा और आपको फेक फॉलोअर्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपके जो जेन्युइन फॉलोअर्स होंगे तभी आप सोशल मीडिया स्टार बन पाओगे, क्योंकि फेक फॉलोअर्स लेके कोई आपको जानता ही नहीं होगा तो आप सोशल मीडिया स्टार कैसे बन सकते हो। इसलिए आपको जेन्युइन फॉलोअर्स बढ़ाना है अपने मेहनत से। तो फ्रेंड्स, आज के समय में ऐसा है कि जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है, जितना ज़्यादा फॉलोअर्स है उतना बड़ा वो स्टार कहा जाता है। तो आपको भी सबसे पहले ज़्यादा फॉलोअर्स ही बताना पड़ेगा। जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तभी आपको लोग पहचानेंगे और आप स्टार बनोगे। तो आपको सबसे पहले फॉलोअर्स बढ़ाना है किसी भी तरह से, और जब आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ जाए फिर आपको अपने लुक्स पे ध्यान देना होगा, आपको जिम ज्वाइन करना होगा, आपको बॉडी बनाना पड़ेगा, आपको अपनी हेयर स्टाइल अपने ड्रेसिंग स्टाइल दिखाना पड़ेगा, और फिर फ़ोटो शूट कराना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और अच्छी अच्छी पिक्स आपको इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। इस तरह से आपके फैन फॉलोइंग और बढ़ेंगे और आप सोशल मीडिया स्टार बनोगे धीरे धीरे, और आप टिकटॉक पे और फेसबुक पे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आपको एक्टिव रहना होगा, यूट्यूब पे वीडियोस डालना होगा, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना होगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज बनाता रहना होगा अपने करियर के बारे में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसके बारे में। तो ऐसे आपके फैंस फॉलोइंग बढ़ेंगे और फिर आपको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आपको स्पॉन्सरशिप देगी, जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमाओगे और आप सक्सेस करते जाओगे।
तो इस तरह से आप सोशल मीडिया स्टार बनोगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहाँ पर कोई भी मुझे सवाल पूछ सकते हो तो मैं आसानी से आपको आंसर कर सकता हूँ। यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव मैं नहीं रहता हूँ, बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, हिंदी में वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आने वाले सभी नए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।